वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ टू एनेबल ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग, यानी कि इस डिवाइस में कॉल रिकॉर्डिंग एक्टिवेट कैसे करें। दोस्तों कॉल रिकॉर्डिंग करने के लिए सबसे पहले फ़ोन डायलर में जाइए। फ़ोन डायलर ओपन करने के बाद जब आप किसी भी नंबर पर कॉल लगाएंगे, कॉल कनेक्ट होते ही साइड में कॉल रिकॉर्डर का एक फीचर्स देखने को मिल जाएगा, तो इस पर टैप करके आप मैनुअली कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं। दोस्तों गूगल कॉल डायलर में जब हम कॉल रिकॉर्ड करते हैं तब रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले दोनों साइड पे वार्निंग नोटिफिकेशन सुना देते हैं कि ये कॉल रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर आप इसे बंद करना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में एक ट्रिक्स बताऊंगा, अब इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। दोस्तों ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ 3 डॉटेड लाइन पर क्लिक करिए। इसके बाद सेटिंग्स में जाना है। कॉल सेटिंग्स ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको कॉल रिकॉर्डिंग का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक करिए। कॉल रिकॉर्डिंग सेटिंग्स के अंदर कुछ इस तरह के इंटरफेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम आपको ऑलवेज रिकॉर्ड के बारे में बता देते हैं। नंबर नॉट इन योर कॉन्टैक्ट, इस ऑप्शन को इनेबल करने से आपके फ़ोन में जब अननोन नंबर से कॉल आएगा तो ये ऑटोमेटिक रिकॉर्ड किया जाएगा। सिलेक्टेड नंबर, सबसे पहले ऑलवेज रिकॉर्ड सिलेक्ट नंबर को टर्न ऑन करिए। इसके बाद चूज़ ए कॉन्टैक्ट में जाके जिस कॉन्टैक्ट नंबर का कॉल आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करिए, चाहे तो आप मल्टीपल कॉन्टैक्ट को ऐड कर सकते हैं। गूगल डायलर में बिना कॉन्टैक्ट सिलेक्ट किए आप ऑटो कॉल रिकॉर्ड नहीं कर सकते, इसलिए अगर आपको ज़रूरत हो तो एक एक करके सभी कॉन्टैक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। डिलीट रिकॉर्डिंग, बाई डिफॉल्ट आपके फ़ोन में नेवर सिलेक्ट रहेगा, मतलब हमारे फ़ोन में रिकॉर्ड किया गया कॉल कभी नहीं डिलीट होगा। अगर आप कॉल रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक डिलीट करना चाहते हैं तो इनमें से 7 डेज, 14 डेज और 30 डेज को चूज़ कर सकते हैं। डिलीट ऑल रिकॉर्डिंग नाउ, इस पर क्लिक करते ही सभी कॉल रिकॉर्ड तुरंत डिलीट हो जाएगा। दोस्तों इन सारे कॉल रिकॉर्डिंग को सुनने के लिए यहाँ पे रिसेंट कॉल लिस्ट में जाके उस नंबर पर टैप करना है, फिर आपके सामने लास्ट रिकॉर्ड किया गया कॉल डिटेल्स चले आएगा। इसके अलावा आप हिस्ट्री में जाके सारे डिटेल्स देख सकते हैं। साथ ही साथ शेयर बटन पर क्लिक करके आप इस कॉल रिकॉर्ड फाइल को दूसरे फ़ोन में भी भेज सकते हैं। दोस्तों यदि आप कॉल रिकॉर्ड अनाउंसमेंट बंद करना चाहते हैं, इसके ऊपर हमने एक ऑलरेडी वीडियो बनाए रखी है, ऊपर आई बटन पर उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। जब तक गूगल इस बात को फिक्स नहीं करते हैं ये ट्रिक्स आपके लिए 100% काम करेगा। तो गाइस इस तरीके से आप कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल था। इस वीडियो को लाइक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।